24 में आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिनों तक कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। हालांकि गढ़वाल में भी अधिकांश हिस्सों में इस दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को खासी हिदायत बरतने की आवश्यकता है, खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें, ताकि भारी बारिश के चलते जल स्तर बढ़ने से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सके। साथ ही अनावश्यक आवागमन करने से बचें, ताकि जान माल का नुकसान ना हो सके। बिल्कुल, हमने जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट है वो जारी की हुई कल से ही, जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है, और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुंचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक है थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमोसफियर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए हमने कुमाऊं रीजन में 2, 3, 4 के लिए रेड अलर्ट रखा है, और उसमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स बोली है कि कुछ जगहों तक में उसकी संभावना मिलने की इन दिनों में, और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी वो भी एकातुका जगहों में, जैसे कि अंदर का डिस्ट्रिक्ट हमारे पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, और ऐसे नैनीताल और चंपावत के लिए ये चीज़ बोली गई है। इसके साथ साथ जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट से जो लगे हुए हैं, चाहे वो चमोली है या फिर इसी तरह जो है पौड़ी है, और इधर है देहरादून, टेहरी या हरिद्वार है, तो इसमें भी हमने ऑरेंज अलर्ट जो है 3 से 4 दिन के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ भी अच्छी बारिश जो है, जो अभी मानसून सिस्टम वो एकदम फुटहिल पे आ गया है, और उसकी वजह से यहाँ पर भी बारिश जो है बढ़ेगी, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत आप देखेंगे कि यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट और बच रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी है, चाहे रुद्रप्रयाग है या इसी तरह जो है चमोली है, तो उनमें भी आप देखेंगे हैवी रेन्स वहाँ रखा गया है, हालांकि थोड़ा येलो में रखा हमने, लेकिन हैवी रेन अगर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में मिल जा रही है तो वो कहीं ना कहीं पर वो दिक्कत कर ही देती है। तो जो इंटेंस स्पेल है या वेरी इंटेंस स्पेल है वो तो आप कह सकते हैं गढ़वाल रीजन में भी सभी जगह एक्सपेक्टेड है, कहीं कहीं पर है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, और कुमाऊं रीजन में बात करूँ ये 2 से 3 दिन की, तो मैं कहूँगा कि वेरी इंटेंस से एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल जो है, तो जिसमें कि मतलब जैसे क्लाउड बस्ट एक्सट्रीमली इंटेंस वाली स्पेल अगर मिलती है 1 घंटे के लिए, तो क्लाउड बस्ट वाली सिचुएशन उसमें वो बन जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अभी 3 से 4 दिन जो कुमाऊं रीजन में इस तरह की स्थिति है, उसके बाद भी हमने का मतलब ये है कि दिन में तो क्या है ना, कुछ चीज़ें चल रही है तो आदमी देखता भी रहता है जगह हुआ है, रात में क्या सो गया तो ना तो उसको मैसेज आ। देश की, अपने प्रदेश की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।